रान्ना जी ने कहा है, पति व्रता अपने सेविए नहीं थाए बेश्या जेम। परमात्मा की भक्ति बेश्या स्त्री की तरह मत करो। और पतिव्रता स्त्री कौन है? जो मन से पवित्र हो, जो अपने पति से ही प्यार करे, वो पतिव्रता स्त्री है, बाकी सब बेश्या। चाणक्य ने कहा है ये बात, पतिव्रता स्त्री अपने पति से कभी भी झूठ नहीं बोलती। अर्धांगिनी क्यों कहा? अर्धा अंग, आधा अंग। किसी को अर्धांगिनी सच्ची मिले तो पुरुष का बेड़ा पार हो जाता है ना। पतिव्रता स्त्री के अंदर जैसे जैसे गुण होते हैं ना, इस आत्मा के भी वही गुण होते हैं। दिव्य गुणों से भरपूर आत्मा पतिव्रता ही है। पतिव्रता स्त्री के अंदर गुण न हो तो उसके पति वश में नहीं होता। होता है, देखो, भक्त के अंदर दया होता है, विनम्रता होता है। पतिव्रता स्त्री के अंदर भी विनम्रता, दया आदि गुण होते हैं। अगर न हो तो पतिव्रता ही नहीं। समझ में आ रही बात? हम सब परमात्मा के घर से आए हैं, सखी है, उनकी अर्धांगिनी है ना। तो जैसे पतिव्रता स्त्री धार्मिक होती, ऐसे हम भी धार्मिक रहें आत्मा से। प्राणा जी ने कहा है, पतिव्रतापणे सेवी, और कहा मेरे मीठे बोले साथ, हे ब्रह्म सृष्टि आप मीठे वचन बोलो। और पतिव्रता स्त्री भी मीठी मीठी बातें करती है, मीठे वचन बोलती है। पतिव्रता नारी के आवाज में मिठास होती है। अगर नहीं है, मधुरता नहीं है, स्नेहिल वाणी और नहीं बोल रही है, तो समझ लेना गड़बड़ है। पतिव्रता स्त्री धर्म में खूब आस्था रखती है। क्या रखती है? आस्था। सेवा करती है, खूब पति की सेवा करती है। वो किसी वो क्षमा कर देती है किसी को भी, और वो दान देने में आगे होती है। पतिव्रता स्त्री दानशील होती है, ऐसे ही भक्त भी दानशील होते हैं। और पतिव्रता स्त्री बुद्धिमान होती है, दयावान होती है, ऐसे ही भक्त होते हैं। पतिव्रता स्त्री कभी कर्तव्यों का पालन चुकती नहीं है, पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करती है, ऐसे ही भक्त होते हैं। पतिव्रता स्त्री किसे कहा? जो लक्ष्मी का रूप हो वो पतिव्रता है। लेंजी फेंजी नारियों को पतिव्रता नहीं कहा। तन से अधिक मन से सुंदर हो वो पतिव्रता है, बाकी तो जाए भाण में। जो सुंदर होते हैं भीतर से, सच्ची जो पतिव्रता है, वो पराया धन देखकर कभी दुखी नहीं होती है। पराए पराए पीड़ा को देखकर दुखी होती है, पराई कोई सुख को देखकर नहीं। कोई भेदभाव नहीं रखती, घर में, परिवार में, समाज में समान रूप से सबको देखती है, वो पतिव्रता है। भक्त भी ऐसे ही होते हैं। पतिव्रता नारी रोज स्नान करती है, भक्त भी रोज भक्त भी रोज स्नान करते हैं। पवित्र वस्त्र धोए हुए वस्त्र पहनती और क्या करती है? सुबह उठती है, धूप अगरबत्ती थाली सजाती है, सुबह शाम राज्य के परमात्मा के सामने धूप जलाती है, दीप जलाती है, सुगंधित ऐसे अत्तर इत्यादि लगाती है, जलाती है, और वहां पर पूजा पाठ करती है। तो खूब पतिव्रता धर्म का पालन करती है। भक्त भी ऐसे ही होते हैं, भक्त भी ऐसे ही होते हैं। वो कभी भी अपमान नहीं करती पति का। पतिव्रता नारी धर्म मार्ग पर चलती है, निडर होती है, वो बात कहने के लिए उसको संकोच नहीं होती। पतिव्रता स्त्री को वो कभी छल कपट नहीं करती है ना, कभी गुस्सा नहीं करती है ना, इसीलिए कभी झूठ नहीं बोलती, कभी मिथ्या भाषण नहीं करती, वो कभी व्यभिचारी नहीं हो सकती। ऐसे लोगों को पतिव्रता कहा। तो पतिव्रता पणे सेविए, पतिव्रता भाव रखो। जो अपने परिवार से इसने नहीं रखती, पुत्र से, परिवार से, पुत्री से ही नहीं रखती, संपूर्ण समाज से प्रेम करती, पतिव्रता नारी है ना, कभी दूसरों के घरों में झगड़ा नहीं लगाती। आजकल तो ऐसे पतिव्रता नारी बहुत है, दूसरों के घरों इधर की बात उधर, उधर की बात इधर कर देती है, झगड़ा लगा देती। चरित्रहीन नारी कहा जाता है इन लोगों को। पति के प्रति जो अनादर रखती हो वो चरित्रहीन नारी है, शास्त्रों ने कहा है।
है ना, पति को जो ताना मारती है बिना कारण से, बिना कारण, वो चरित्रहीन है। शास्त्रों में लिखा है कभी पसंद नहीं करेगा ऐसे पति पत्नी को। जो अपमान करने की कोशिश में लगी रहती है, वो पति को जब जब देखो तब कोसती रहती है, वो गड़बड़ स्त्री है। उसके चंगुल में अगर वो कोई फंस गया तो बर्बाद हो गया। तो पतिव्रता नारी को पतिव्रता भाव से रहना चाहिए, ऐसे ही भक्त को रहना चाहिए परमात्मा के सामने। भाग्यवान जो स्त्रियां होती है ना, उसके लक्षण भी बताए गए हैं। क्या कहा है, ये आंख है, तो जिस लड़की के आंखों के ऊपर, नेत्रों के ये भाग और ये भाग, ये त्वचा और ये त्वचा एकदम लाल लाल हो ना, तो वो भाग्यवान स्त्री है। देखो अपना अपना और आंखों की जो पुतली है ये काली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? काली। और ये जो सफेद भाग है ये दूध की जैसी हो, दूध के समान, तो वो बहुत ही भाग्यवान स्त्री है। और ऐसा कहा है कि उस स्त्री के तो स्त्री का चाल राजहंस के समान होता है। कैसा होता है? राजहंस, देखा है राजहंस। और कमर बाघ के समान पतली, ऐसा लिखा है। ऐसी स्त्री सभी सुखों को भोगने वाली भाग्यवान स्त्री कहलाती है। तो पतिव्रता स्त्री जो है, जिस प्रकार पति के साथ रहती है, उनके लिए ही जीती है, उनके लिए ही मरती है, ऐसे ही भक्त होते हैं। पतिव्रता स्त्री को लिखा है दरवाजे पर ऐसे चौखट पर अधिक देर तक खड़ा नहीं रहना चाहिए। लक्षण है पतिव्रता स्त्री को घर के दरवाजे पर ज्यादा देर तक खड़े रहना नहीं चाहिए। उसकी आवाज बढ़ा दो। पति के आज्ञा के बिना कहीं दूसरी जगह नहीं जाती, व्रत उपवास भी नहीं करती, वो शांत बैठी रहती है। पतिव्रता स्त्री को हमेशा क्या करना चाहिए? पति भोजन कर ले तभी भोजन करना चाहिए। आजकल तो पहले ही ठपकार देते हैं। माता पार्वती ने पतिव्रता धर्म निभाया था, और वही धर्म आज हम सब निभाएंगे तो हम कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। शास्त्रों में लिखा है जिस स्त्री की नजरें से ऊपर की ओर रहती है वो सरल हृदय की ओर होती है। ऊपर की ओर ज्यादा देखती है वो, और जिसकी दृष्टि नीचे की ओर होती है ना, जिस स्त्री की, वो कुकर्म करने वाली होती है, ऐसा लिखा है। और ये भी कहा है आंखों में आंखें डालने वाली जो स्त्री होती है वो होती है आत्मविश्वासी, प्रेमी, दयावान, ऐसे। और कहा है जो छिप छिप कर देखती है क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं, तो वो माया भी होते हैं, माया में लिप्त विश्वास। ये शास्त्रों का वचन है, शास्त्रों में इस प्रकार लिखा है। पति ही पत्नी के लिए सदा सेव्य है, वो सच्चे भाव से करना चाहिए, खूब प्रेम से, जैसे भक्त परमात्मा की करते हैं। प्रतिदिन है ना, मन से, वाणी से, शरीर से पति को खुश करती है, उसका ही आवाहन करती है, सदा पति का ही पूजन करती है। पतिव्रता स्त्री का लक्षण बताया। तो पतिव्रता नारी की तरह भक्त जीते हैं, अपने पति के लिए जैसे पत्नी भाव रखती है ऐसे ही भक्त अपने परमात्मा के लिए रखते हैं। आत्मा के मालिक तो वही है। तो प्राणा जी ने कहा पतिव्रता प्रणे सेविये नहीं था वैश्याजे। तभी तो हम वो रूप, तेज, सौभाग्य, फल, यश, कीर्ति, उत्तम गुण इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही घूमते रहेंगे, यहां जाएंगे वहां जाएंगे तो कैसे प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो पति का एक अहंकार जैसे पतिव्रता नारी को होती है, ऐसे ही हम सब भक्तों को परमात्मा का एक अहंकार, मेरे साथ वो है, ऐसा अहम भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसे अहम भाव भीतर से होना चाहिए, मेरे साथ परमात्मा है मुझे क्या डर, मेरे साथ पति है मुझे क्या डर, ऐसे पतिव्रता नारी के अंदर होती है। तो सुंदर साहब जी भक्त
जन, ये तो सब प्रेम की बातें हैं, है ना। जितना गहरा प्रेम होता है उतना आप इस बात को समझ पाएंगे, ये तो हंसी मजाक की बात है ही नहीं, बहुत गहरी बात है। धर्म शास्त्रों ने यही कहा है कि आप सच्चे पतिव्रता धर्म को निभाओ, भक्त हो या गृहस्थ हो, सभी को पतिव्रता भाव में, परमात्मा के साथ भी पतिव्रता भाव रखो, अपने पति के साथ भी पतिव्रता भाव रखो, आप सभी को सुख दो और दूसरों की खुशी में आप खुश सुख पाओ, और कभी दुखी मत हो जाओ। किसी ने बढ़िया बंगला बना लिया और दुखी होके बैठे हुए हैं, किसी को ठेस न पहुंचाओ। श्री प्राणनाथ जी ने कहा है ना, साफ दिल सुहागिन कबहु न दुखावे किन, आप साफ रहो, किसी को दर्द मत दो, दुख मत दो, यही पतिव्रता धर्म है। पति के लिए जिए, राज्य के लिए जिए, एक ही बात है। प्रणाम।